कामयाबी। कामयाबी एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के मतलब हर आदमी को इसका मतलब पता है। हर आदमी को कामयाबी चाहिए होती है, हर आदमी चाहता है कि उसे कामयाबी मिले। वो एक कामयाब इंसान बनना चाहता है, वो एक कामयाब मंजिल की तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन क्या उस कामयाबी के लिए हम छात्र, स्टूडेंट, नौजवान क्या करते हैं? सिर्फ सो रहे होते हैं। गर्मी है तो गर्मी की वजह से एसी चालू किए, फैन चालू किए और सो गए। बरसात है तो बरसात में अलग बारिश की टिप 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 से जो है पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो अब मुझे सोना है, मैं जा रहा हूं सोने, फिर से मैं सोने चला गया। ठंडी है तो बहुत ठंडी लग रही है, लिहाफ में घुसकर सो गए तो सो गए। ये ठंडी, गर्मी, बरसात, सिर्फ सोते ही रहे, सोते ही रहे, सोते ही रहे, और कब तक सोते रहोगे? सुबह के 8 बज गए तब भी सो रहे हो तुम, 10 बज गए तब भी सो रहे हो तुम, 4 महीने बाद भी सो रहे हो तुम, कल एग्जाम है तब भी सो रहे हो तुम। इन सोचो कि जो तुम्हारा सपना है कि तुम कामयाब होना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो, फिर भी तुम सोचते हो, तुम फिर भी तुम जो है सिर्फ सो रहे होते हो, कैसे होगा? क्या सोने से मंजिल पालोगे? अगर मंजिल सोने से पा लिया होता तो अब तक तो आप सो रहे थे, फिर क्यों नहीं मंजिल मिली आपको, फिर क्यों नहीं आप कामयाब हुए? बहाने सोने को नहीं देते हम, बहाने अपनी कमियों को नहीं देते हम। ये कहते कि अरे अब तो मोबाइल आ गया है ना, वहां हम वीडियो लेक्चर खोलते हैं जिस टॉपिक का, उसके साथ बहुत सारी वीडियो दिख जाती है, वहां पर रील्स होते हैं, वहां पे ये वीडियो बहुत मुझे पसंद है, ये सीरियल मुझे बहुत पसंद है, ये हीरो की मूवी बहुत पसंद है, ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, वो दिख गया तो मैं क्लिक कर दिया और देखने लगा, घंटों घंटों गुजर गया। वही मोबाइल लेकर एक सक्सेसफुल इंसान, एक कामयाब इंसान कामयाब है, लेकिन वही मोबाइल लेकर आप कामयाब क्यों नहीं है? आखिर क्यों? ऐसा क्या फर्क है, ऐसी क्या चीज है जिससे आप कामयाब नहीं है? सोचना, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी कामयाबी का राज आप में छुपा है। आप किसी से एडवाइस लेना चाहेंगे, मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता आपकी कामयाबी के लिए, मैं खुद की कामयाबी के लिए खुद को एडवाइस कर सकता हूं। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाबी का नशा अपने अंदर पैदा करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत का नहीं, मंजिल का रखो। तुम अपने अंदर यह जिद पैदा कर दो कि तुम्हें मंजिल पाकर नहीं रहना है, तुम्हें जी कर रहना है, तुम्हें देख कर रहना है, तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम कामयाब भी हो, एक अच्छे इंसान भी हो, एक अच्छा छात्र भी हो, सब कुछ में अच्छे हो। तुम हो तो सबसे अच्छे हो, तुम ही हो तो सिस्टम चलता है। ये तमाम जो बहाने हैं आपके कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, तुम क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारी सेटिस्फाइड होने के लिए तुम किस चीज में सेटिस्फाइड होते हो, तुम्हें क्या करने में सबसे अच्छा लगता है, वो सोचो। सोचना क्या है? अगर आप छात्र हैं तो आपको, छात्र हैं तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मैं टीचर हूं तो मुझे पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या मेरे पढ़ने में जब अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ने से सेटिस्फाइड होता हूं, मुझे सुकून मिलता है, तो मुझे पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा या नहीं? हाँ, जवाब है हाँ, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ते, फिर भी हम नहीं सोचते कि कामयाब हों, फिर भी हम पढ़ना नहीं चाहते, ऐसे कैसे काम चलेगा? सिर्फ मकसद एक है इस वीडियो का कि आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, हम सब पढ़ें। इस वीडियो को देखने का एक और मकसद है कि हम सब कोशिशें कर रहे हैं कि एक नए आयाम से सोचा जाए, इस विकसित भारत में। चंद दिनों में हम जो है अपने भारत देश की आजादी का दिवस मनाने वाले हैं, उस दिवस पे और आज के दिन आप सोचिए कि आप क्या सीख रहे हैं। आपके देश में बहुत सारे ऐसे महान लोग जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, जिनके पास खाने के लिए खाने नहीं थे, जिनके पास जो है सोचने के लिए इसलिए टाइम नहीं था क्योंकि उनको काम करने पड़ते थे दिन भर, उसके बाद वो रात में पढ़ते थे। बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे जो पेपर बेचकर कामयाब हुए,
और वो एक ऐसा नाम रोशन कर गए कि जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने नशा पाला तो किसका पाला, कामयाबी का। उन्होंने मोहब्बत की तो किससे की, अपनी मंजिल से की मोहब्बत। उनके पास रिसोर्स की कमी थी, फिर भी वो कोशिश किए और कामयाब होकर दिखाया। आपके पास रिसोर्स है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे, आप ही हैं जो कामयाब होंगे, आप ही हैं जो भविष्य बनाएंगे, आप ही हैं जो आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, ये तमाम सवालों का जवाब आपके अंदर छुपा हुआ है। हम नहीं दे सकते जवाब, कोई और नहीं दे सकता जवाब, क्योंकि आपके पास कैसे रख रखाव है, आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी किस डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। किसी को सुबह पढ़ना में अच्छा लगता है, किसी को रात पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, तो उसको अपने हिसाब से सारी चीजें सोचना होगा। लेकिन हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, जो सुबह जल्दी उठता है उसके लिए, और उसी वीडियो में हम ये पार्ट भी लेके आने वाले हैं जो रात तक पढ़ना चाहता है और सुबह देर तक सोना चाहता है, उनके लिए भी हम कुछ ऐसे सिस्टम वाइज बातें लाने वाले हैं जो आपको मदद कर सकता है और आपकी कामयाबी में मदद कर सकता है। तो आइए इस वीडियो से हम ये वचन लें कि हम ही हैं जो कामयाब होंगे, हम ही हैं जो मंजिल को पाएंगे, क्योंकि हमारा मसला, हम एक ऐसे रिफॉर्मर को तैयार करना चाहते हैं जो नए आयाम से सोचे, उनका दायित्व हो वो देश के लिए, अपने लिए सपना सोचे और उस सपने को पूरा करने के लिए जिद पाले। आप दोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन हम आप क्या सपना देखते हैं कि पहले हमें मिल जाए फिर हम देंगे। कामयाबी वैसे नहीं मिलती है, कामयाबी चलकर मिलती है। आधे रास्ते चलकर हम वापस आ जाते हैं कि अरे यार इतनी मेहनत तो कर ली, आप कहां हुए कामयाब। वापस आने में भी आधे रास्ते तय करने हैं, इसलिए आधे रास्ते और कठिन हैं, उसे तय करो, फिर आप कामयाबी के मंजिल के किनारे पहुंचोगे और आप कामयाब हो जाओगे। आप इस पूरी चैनल पे उठाकर देख लीजिए, इसमें आपको ऐसे ऐसे मंत्र दिए गए हैं जो आपके लिए मदद करने वाले हैं, आपके अंदर की चीजों को निकालने में मदद करने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी चीजें ही सबसे बेस्ट हैं, नहीं, हर वो बच्चा जो पढ़ता है, जो सोचता है, जो चाहता है कि कामयाब हो, उसके अंदर पनपती है चीजें, उसके अंदर कामयाबी का राज छुपा हुआ है, वो अपने अंदर से कामयाबी को, उसके राज को निकाले और सपने को साकार करे। बस एक मंत्र है, वो मंत्र ये है कि कामयाबी का नशा पालो और मंजिल से मोहब्बत करो, तो आप हो जाएंगे कामयाब। ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी दुआ है आपके लिए। आपसे सिर्फ एक ही वादा है, वो ये है कि आप अपने मंजिल को पाने के लिए लग जाएं, भिर जाएं और ताकत झोंक दें। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब तक अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी तो नया भारत बनने में मदद होगा, आपके दोस्त के भी सपने पूरे होंगे। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करते रहें, दोस्तों को लाइक करने को कहें, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।